कारे यूट्यूब वाला बाबा और कारे बड़े बड़े यूट्यूबर तुम सब काफी कह रहा है रे, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम सब सही कहा ना बता रहा है कि यूट्यूब चैनल को कब बूस्ट करता है। कभी यहाँ पर कोई क्रिएटर बता रहा है कि ये कर लो अपने चैनल पर चैनल बूस्ट हो जाएगा, और कभी बोल रहा है कि ये कर लो चैनल बूस्ट हो जाएगा। अरे कौन माधर यहाँ पर बोल रहा है रे 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 यूट्यूब वाला बाबा और टेक चैंपियन सपोर्ट और मनोज दे और हाई दुकान दुकान बड़ा बड़ा यूट्यूबर हो गया, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे रे। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, उघाड़ा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट कपड़ा पहन कर बताऊंगा। देखिए यूट्यूब चैनल को कब बूस्ट करता है। अगर आपका एक न्यू चैनल है तो आखिर आपका चैनल कब बूस्ट होगा और आपके चैनल पर कब व्यू जाएगा। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, एकदम आप लोगों को मूर्ख बना दिए है। यहाँ पर सिर्फ आप लोग को यूज कर रहे हैं और व्यूज बटोर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि अपने चैनल पर ऐसे काम करो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपका एक न्यू चैनल है और अगर आप एक न्यू क्रिएटर है तो आखिर आपका यूट्यूब चैनल कब बूस्ट होगा, चलिए इस वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले कपड़ा पहन लेता हूँ, तब लेकर चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर और तब बताता हूँ कि यूट्यूब आपके चैनल को कब बूस्ट करता है, ठीक है ना। सो दोस्तों आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन में। और इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं यहां पर खुला खुला बता दूंगा कि आखिर जो यूट्यूब है वो आपके चैनल को कब बूस्ट करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर यहां पर सालों साल मेहनत करते हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है और वो हमेशा यही टेंशन में रहते हैं कि आखिर हमारा चैनल कब बूस्ट होगा, हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छा खासा व्यूज कब जाएगा, कब से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में फुल डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने YT स्टूडियो को ओपन करते हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप नहीं जान पाइएगा कि यूट्यूब आपके चैनल को कब बूस्ट करेगा। और जिसे दोस्तों अगर आप पहले ही यहाँ पर अगर आप अपने चैनल को छोड़ दीजिएगा तो वहां पर दोस्तों आप ग्रो नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन में और यहाँ पर अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब आप लोगों के सामने मेरा चैनल आ चुका है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ क्रिएटर। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आखिर दोस्तों इस चैनल को YouTube कब बूस्ट करेगा और कितना वीडियो को दोस्तों बूस्ट कर रहा है। और आपको पता होगा कि आपके चैनल पर क्या जरूरी है, व्यूज। अगर आपके चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट हो गया ना तो आपके चैनल पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो वायरल होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को आपके देखेगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आपका चैनल बूस्ट हो गया, नहीं। लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, शॉर्ट वीडियो में भी क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए अगर आप लगातार शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपके चैनल पर लगातार शॉर्ट वीडियो पर हर वीडियो वायरल जा रहा है तो अच्छी बात है, उससे आपकी फेस वैल्यू बन सकती है और उससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। मान लीजिए आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड किया और उसमें से दो चार शॉर्ट वायरल हो गया, मतलब 1200-3500 इस तरह व्यूज गया और उसके बाद शॉर्ट डाल रहे हैं तो आपके चैनल पर 5, 6, 10, 12, 50, 60 ऐसे व्यूज आ रहा है, उससे दोस्तों चैनल का ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने YT स्टूडियो में आ चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ पर कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने सुबह हम एक वीडियो अपलोड किया है जिसपे यहाँ पर 21 व्यूज गया है, यहाँ पर मैंने कल वीडियो अपलोड किया जिसपे 134 व्यूज गया, यहाँ पर 3 दिन पहले 36 व्यूज गया है, यहाँ पर 58, यहाँ पर 67 और यहाँ पर सीधे 2100 व्यूज गया। अब क्यों, आखिर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आखिर ये सब वीडियो पर 2100 व्यूज क्यों नहीं गया, मतलब उससे ज्यादा क्यों नहीं गया, यहाँ पर 36-60 ऐसे क्यों गया है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, सिर्फ यूट्यूब के यहाँ पर नहीं, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को अगर आप लगातार करते हैं तो आप उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज भी जान जाते हैं। या मान लीजिए अगर किसी के घर ही काम कर रहे हैं और उसके घर ईमानदारी से और डेली के डेली भाई काम कर रहे हैं तो आपको क्या करेगा, आपको मतलब मानने लगेगा बहुत ही ज्यादा। वो चाहे कुछ भी चीज का मालिक हो तो आपको मानने लगेगा तो क्या करेगा, आपका मंथली कुछ ज्यादा बढ़ा देगा या मतलब आपको खाने पीने का ध्यान रखेगा। सेम दोस्तों है यूट्यूब। देखिए अगर आप यूट्यूब पर डेली के डेली भाई काम करते हैं ना, इसको डेली के डेली भाई यहाँ पर काम करते हैं, इसको डेली के डेली भाई वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube के बारे में सबसे पहले तो आपको नॉलेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि YouTube कैसे काम करता है, YouTube का जो एल्गोरिदम है वो आखिर कैसे काम करता है, YouTube पर हम कैसे काम करके ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा का बात कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहिएगा ना तो YouTube मजबूर हो जाएगा दोस्तों आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए और आखिरी दम पर आपके चैनल को बूस्ट कर देगा, यानी आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और दोस्तों जिस दिन आपका चैनल बूस्ट हो गया उस दिन आपके चैनल पर व्यूज की कमी नहीं होगी, आपके चैनल पर 10,000, 20,000, 30,000, मतलब अब जैसा
कंटेंट बनाइएगा वैसे व्यूज आएगा। और आपको पता होगा कि दोस्तों टेक कैटेगरी में ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इस टेक कैटेगरी में दोस्तों और ब्लॉग ही वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि टेक कैटेगरी में ही कॉम्पिटिशन है, अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर आप ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। मतलब जो भी यहाँ पर कैटेगरी का है ना, उस सभी कैटेगरी में यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। लेकिन इस कॉम्पिटिशन के जमाने में आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, जब तक आप किसी और से यहाँ पर यूनिक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा ट्रिक बता रहा है, वही ट्रिक आप बताइए, कोई देखेगा। मान लीजिए बड़े यूट्यूबर ये ट्रिक बताए हैं और आप ये ट्रिक बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ज्यादा सब्सक्राइबर है या बड़े यूट्यूबर का? बड़े यूट्यूबर का सब्सक्राइबर, सिंपली सा बात है, उसका ज्यादा सब्सक्राइबर है, ज्यादा पैसे कमाता है, वो बड़ा यूट्यूबर हो गया, लोग उसको देख लेंगे। तो वही जानकारी अगर आप दिए हैं तो आपको क्यों देखेंगे, कोई देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाइए ना, ऐसा टॉपिक आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए जो कि यूट्यूब पर कहीं पर भी अपलोड ना किया गया हो, जिससे लोग आपके वीडियो को देखेंगे तो हर किसी से यूनिक आपके वीडियो पर यहाँ पर दिखेगा, जिससे लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको अपना गुरु मान लेंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आपसे जुड़ जाएंगे तो आपका हर वीडियो देखेंगे, और हर वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपका फैमिली नंबर बन जाएगा, और उस तरह आपके वीडियो पर सब्सक्राइबर वॉच टाइम, और आपका चैनल अगर 4000 घंटा कंप्लीट हो जाएगा आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तब आपको YouTube पैसा भी देना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अपना चैनल बूस्ट करना है तो सिंपली से यहां पर कोई भी रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है, वो है आपको अपने चैनल पर डेली के डेली भाई काम करना होगा। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि हाँ अगर आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो डेली वीडियो अपलोड कीजिए, अगर आप ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं तो डेली अपलोड कीजिए, अगर आप टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं तो डेली अपलोड कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आप लॉन्ग वीडियो कॉमेडी अपलोड करते हैं तो मुझे भी पता है भाई, क्योंकि मैं भी कॉमेडी बनाया हूं और मुझे भी पता है कि हाँ यहाँ पर डेली के डेली भाई कॉमेडी वीडियो अपलोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन शूटिंग करने में टाइम लगती है, उसको एडिटिंग करने में टाइम लगती है, उसका थंबनेल बनाना, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्यूचर उसमें काम करना होता है, तब जाके यूट्यूब पर अपलोड होता है। क्योंकि मेरा पहले से एक चैनल था जिस चैनल का नाम था सुनेश कॉमेडी, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत होता था। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक ब्लॉग कैटेगरी का चैनल है, अगर आपका एक टेक कैटेगरी का चैनल है, तो दोस्तों आप उस पर कोशिश कीजिए डेली के डेली वीडियो अपलोड करने के लिए। अब ऐसा कोशिश कीजिए, मान लीजिए देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी दिन में यहाँ पर 10 वीडियो अपलोड कर देते हैं, 5 वीडियो अपलोड कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ 2 दिन गैप पे चल दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप वीडियो क्रिएट कर लिए हैं, अगर एक दिन में 2-4 वीडियो शूट कर ले रहे हैं तो कीजिए, 2-4 नहीं 50 वीडियो शूट कीजिए, लेकिन उसको आप एक टाइम बनाइए, एक टाइम लेवल बनाइए। मान लीजिए अगर आप दिन में 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 1 ही वीडियो अपलोड कीजिए, अगर मान लीजिए आप दिन में 2-4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 2-4 ही वीडियो डेली के डेली भाई अपलोड कीजिए। और दोस्तों आपको टाइम पर भी यहाँ पर फोकस करना होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर कभी 9 बजे डालते हैं, कभी 3 बजे डालते हैं, ऐसा आप कीजिएगा ना तो आपका जो सब्सक्राइबर होंगे वो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि आखिर ये भाई साहब का वीडियो कब आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, उनका एक टाइम फिक्स होता है और उसी टाइम पर वो अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, जिसके वजह से उनके वीडियो पर व्यूज भी आता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ता है, वह टाइम होता है। तो दोस्तों इस तरह आप काम कीजिए, अपने चैनल पर डेली के डेली भाई वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं गया ना तो आप कमेंट में जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ डेली के डेली भाई कम से कम आप 1 महीना 30 दिन का टारगेट बनाइए और 30 दिन डेली वीडियो अपलोड कीजिए अपने चैनल पर। और आपके वीडियो 30 दिन में दोस्तों एक भी वीडियो अगर अच्छा खासा व्यूज नहीं किया तो आप मेरे चैनल में जो चाहे यहाँ पर कमेंट में गाली लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप 30 दिन का एक टारगेट बनाइए कि 30 दिन मुझे 1 या 2, मतलब अगर आपके अपने हिसाब से अगर 1 वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो हाँ मुझे 30 दिन डेली के डेली भाई 1 वीडियो अपलोड करना है इस टाइम में। अगर आप 6 बजे अपलोड कर रहे हैं तो 6 बजे अपलोड कीजिए, अगर आप 9 बजे अपलोड कर रहे हैं तो 9 बजे अपलोड कीजिए, लेकिन डेली के डेली भाई वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों इस तरह आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।